जिला कुल्लू में एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति ने भुंतर सब्जी मंडी में पहली बायोवेस्ट मशीन स्थापित की गई है, जिसमें राजस्थान की बिक्सन इनोवेशन कंपनी ने 29 लाख रुपए से ये प्लांट स्थापित किया है। कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू लाहौल स्पीति द्वारा जिला की सब पहली मंडी भुंतर में ये प्लांट स्थापित किया गया है। ये बिक्सन इनोवेशन करके कंपनी है, राजस्थान की है। ये बायो जो हमारा वेस्ट होता है उसको जो है ये प्रोसेस करेगी। इसकी कैपेसिटी जो है 1 टन की है और प्रतिदिन की जो इसकी क्षमता है 1 टन प्रोसेस करने की है। और इसकी जो लागत है लगभग 29 लाख के करीब इसकी लागत है। और जो भी हमारी गली सड़ी सब्जियां हैं उसको ये प्रोसेस करने के लिए लगाई गई है और उम्मीद है कि ये कामयाब रहेगी और इस चीज़ को हम बाकी मंडियों में भी रेप्लिकेट करेंगे। इससे जो बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो जो कंपनी ने क्लेम किया है वो एक तो गैस है जो कुकिंग गैस, और सेकंड जो चीज़ निकलेगी वो मैन्योर निकलेगा, मतलब स्लरी लिक्विड की फॉर्म में जो कंपनी के द्वारा बताया गया है। फिलहाल 7 वर्ष तक जो है इस प्लांट को कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा और उम्मीद है कि हमारे पास जो काफ़ी मात्रा में जो कूड़ा होता है उसके प्रबंधन में ये कारगर साबित होगी। डेफिनेटली सहायक तो होगी जी, क्योंकि 1 टन की इसकी फिलहाल कैपेसिटी है जिसको बाद में हम अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर ये इसका रनिंग इसकी सक्सेसफुल रहती है तो। क्योंकि जो बायो वेस्ट है वो जो रांगड़ी में प्लांट है वो भी नहीं ले रहे हैं, वो भी ड्राई वेस्ट ले रहे हैं, तो इसके जो प्रबंधन का जो है एक चैलेंज है, या तो बायो कंपोस्टिंग पिट बनाएं या इसको मशीन लगाएं। तो मशीन जो है डेफिनेटली अगर ये अच्छे से रन करती है तो हमारे को हेल्प करेगी, और ख़ास करके जो जुलाई अगस्त सितंबर के जो हमारे 3 महीने होते हैं जिसमें हमारे पास वेस्ट होता है तो उसको मैनेज करने में बड़ी मदद करेगी अगर ये चल पड़ती है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।